वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया है, इस शेयर का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड। इस शेयर का प्राइस है 657 रुपये और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है 0.25% डे लो पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और आपको पता होगा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे लिस्ट हुए। तो आज हम बात करते हैं, अगर किसी को ये शेयर अलॉट हुआ है तो उसे ये शेयर रखना चाहिए या जो हमारे न्यू बायर है उन्हें ये बाय करना चाहिए। इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं इसके। यहाँ मैं BSE के ऊपर आया हूँ। BSE के ऊपर आपके सामने जो यहाँ पर आ रहा है ये शेयर की डे की परफॉर्मेंस है, जैसे कि ओपन हाई, लो और एवरेज प्राइस। और 52 वीक इसका हाई है 721 रुपये और 52 वीक लो है इसका 650 रुपये। तो इसका जो लो है ना ये, तो आप ये देख लो, अगर किसी भी दिन इस शेयर ने 650 रुपये का लो को इसने ब्रेक करके अपनी डे की क्लोजिंग दी, तो उस समय आप इस शेयर से निकल जाना अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है। क्योंकि जब भी कोई भी शेयर अपना लो टाइम, लो साइड का या अप साइड का 52 वीक को ब्रेक करता है, तो उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आ गया, कितने शेयर ट्रेड हुए थे, तो करीब 2,60,000 शेयर ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू 17,11,00,000 है और मार्केट कैप इस कंपनी का 18,964 करोड़ है। बाकी फेस वैल्यू 5 है। बाकी यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर, कैश अर्निंग पर शेयर, PE, PB और रिटर्न ऑफ इक्विटी, इनकी डिटेल नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे लिस्ट हुए। अब एक बार यहाँ पर फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे मैं टिकट ऐप पर आया हूँ तो यहाँ पर आपके सामने रिटर्न वर्सेस FD बेटर दिखा रहा है, पर डिविडेंड की डिटेल अभी इसके पास नहीं है। फोरकास्ट की बात करते हैं तो फोरकास्ट पे किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं है जो इसमें बाय के लिए कह रहा है। अब फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है इंडस्ट्री के रिवेन्यू की ग्रोथ रेट। लास्ट के 5 ईयर के अंदर इसकी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है 9.22% है और जिस सेक्टर की कंपनी है उसकी ग्रोथ रेट 12.56 है, यानी 12.56% की ग्रोथ रेट है जिस सेक्टर की कंपनी है। अब बात करते हैं नेट इनकम की। लास्ट के 5 ईयर में जो इनकी नेट इनकम की ग्रोथ रेट है 21.02%, यानी करीब 21% की ग्रोथ रेट इसकी मेंटेन है लास्ट के 5 ईयर के अंदर। और जो इनकी इनकम है जिस सेक्टर की कंपनी है उसकी ग्रोथ रेट है 14.26, यानी करीब 14.5% के आसपास। पर यहाँ पर जो आप हमारे सामने आ रहा है लास्ट के 5 ईयर के अंदर इसका जो मार्केट शेयर है काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, करीब 10% की गिरावट आई है। अब फाइनेंस ईयर 2018-19-20-21, जैसा कि आपके सामने फाइनेंस ईयर 2018 में इसका टोटल रिवेन्यू था 1323 करोड़, जो 2019 में बढ़ के 1407 करोड़, पर 2020 में इनके रिवेन्यू में थोड़ी कमी आई थी 1234 करोड़, पर 2021 के फाइनेंस ईयर में भी इनका रिवेन्यू कम हुआ है। अब बात करते हैं इनकी नेट इनकम की। 2018 में नेट इनकम इसकी 348 करोड़ थी, जो बढ़ के 2019 में 446 करोड़ और 2020 में 494 करोड़ और 2021 में 526 करोड़। इसका रिवेन्यू कम हो रहा है 2019 के बाद, पर इनका प्रॉफिट लगातार हर साल बढ़ रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, करीब 86.50% होल्डिंग प्रमोटर ने अपने पास रखी हुई है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। जैसा कि म्यूचुअल फंड के में हमारे सामने लास्ट के 2 क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टेबल है, काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं DI की, तो DI की भी होल्डिंग स्टेबल है। FI की भी होल्डिंग स्टेबल है और बाकी जो होल्डिंग पड़ी है वो डिटेल पार्टी के पास पड़ी है। अब इसमें बात करते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग जो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो उसकी बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं शेयर काफ़ी स्टेबल है। पर अभी के लिए बात करते हैं कि अगर आपने शेयर ले रखा है तो हमारा SL क्या होगा और हमारा अगला टारगेट क्या होगा, इनके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसका जो लास्ट 52 वीक है वो 650 रुपये का है। अगर ये कभी इसे ब्रेक करता है तो उसी कंडीशन में इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, पर पूरे चांस है यहाँ से रिकवरी करने की। अगर इस शेयर ने यहाँ से रिकवरी करी तो अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। जो भी हमारे न्यू बायर है ना, तो अभी थोड़ा वेट करें इस शेयर में, कि अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने और वेट करें। दिसंबर के बाद ही अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तब बेटर है। पर जिनके पास ये शेयर है तो वो 650 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये 650 रुपये को कभी ब्रेक करता है तो उसी कंडीशन में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, पर पूरे चांस है कि जो इसका करंट प्राइस है यहाँ से रिकवरी के पूरे चांस है। तो अगर यहाँ से रिकवरी करता है तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। पर अभी के लिए खाली हमें SL फोकस करना चाहिए, बाकी शेयर काफ़ी स्टेबल है।